गत 16/1/2023 प्रकाश पाइला एक तालिका आवास तालिका जहाँ नहीं सारा राज्य में हईचई सृष्टि होगा प्रत्येक जिला प्रत्येक ब्लॉक रे हईचई सृष्टि होगा एथिपाई कि जो आवास लिस्ट बाहर से उपयुक्त योग्य हिताधिकारी बाद पड़ते अयोग्य हिताधिकारी तालिकार अंतर्भुक्त होते सीधा सड़क यह ब्रह्मगिरी आज गणधारणा आई जहाँ को नहीं जो आवास को नहीं जो गरीब परिवार सरकार मालमाल योजना रही केन्द्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो समस्ती मालमाल योजना रही प्रकृत में ये प्रश्न उठू से योजना कौन जो सरकार द्वारा नियोजित होता कर्मचारी द्वारा बाटबरणा हो प्रकृतर सरकारी यार पात्र अंतर कर प्रकृतर जो मैंने जो जरी पाल तले बास कर आज से दीर्घ 75 वर्ष स्वाधीन होते से अवहेलित अवस्था पड़ रही आसतु सीधा साल आम से पचार बुझा आज जो रही आमर फनी गस्त संग्राम समिति मध्यम जो गोटे गणधारणा रही सीधा साल ठार मतामत ना आज्ञा न्यूज एट को स्वागत जनाऊँ कौन रही आज कार्यक्रम कहीं कौन धारणा सरकार ए सद्य आवास योजना लिस्ट बाहर कर लिस्ट में प्रति गरीब लोक जो मैंने पंचीत रोचे घर चाल ना लिस्ट काटि जाए जहाँ लिस्ट कर दलय बिक्री कराई प्रशासन मिशामिश कर बहुत गरीब लोग बात देते जो भाई दुख लगे ताद घर भांगी जाता 2019 मसीह से जिला प्रशासन आम आंदोलन कलापर प्रसिद्ध होता है जे आम जहाँ घर भांगे तुरंत अग्राधिकार कर इंदिरावास आवास योजना घर जगे दे जहाँफल से ना काटि जाए आज यार असंतुष्ट प्रकाश पाई समग्र ब्रह्मगिरी लोक असंतुष्ट आज प्राथमिक आम विक्षोभ करूँ और प्रशासन को जनई दूचु जो मैंने तुरंत प्रकृत में जी पाया कथा जार घर ना दुआर नहीं पलिथिन तल चाल से जाए देखु अंचल तृणमूल स्तर को देखो जी प्रकृत में योग्य दिंतु तापर निहत रूपे जहाँ कहते कि प्रकृत सरकार प्रबल इनक्वारी करूँ जो मैंने पायक हक जो दीर्घ 5 वर्ष तले जो पूर्वर कथा कह जो फनी सहायता जो सरकार एक प्रकार आह्वान देते प्रोत्साहन देते कि फनीग्रस्त मानक निहत रूपे इंदिरावास में सामिल करवाई कौटिना कौटी आज से एक प्रकार पात्र अंतर होती सीधा सड़क आम पाखे अच्छा आज जो सोशल वर्कर तक सीधा सड़क मतामत ना आज्ञा न्यूज एट को स्वागत जनइबी कौन कहे आज जो विक्षोभ में आज बसी संपूर्ण भाव में राज्य सरकार दायी स्थानीय प्रशासन दायी जिला प्रशासन दायी आपंट 2019 जो फनी होता है ब्रह्मगिरी अंचल सब अधिक क्षतिग्रस्त होता फनी को भाई दुर्नीति आपंट मैंने योग्य क्षतिग्रस्त मैंने बाद पड़े अयोग्य मैंने स्थान पाइले और सरकार कोटि कोटि टंका लुट नहीं गले प्रशासन अधिकारी मानक हाथ था यही मानक संपृक्ति से हरी लुट है आम जो आंदोलन कलु और सरकार को दृष्टि को आनलु से प्रतिश्रुति देते जो योग्य क्षतिग्रस्त मैंने बंचीगले प्रतिश्रुति देते जो योग्य क्षतिग्रस्त मैंने बंचीगले विभिन्न आवास योजन प्राथमिकता दिजिव कि मिथ्या प्रतिश्रुति जमापड़ी 3 वर्ष पर तालिका प्रकाश पाइला आवास योजनार जो या से प्रभावशाली लोक मान ना से गरीब लोक मैंने नहाँ जो मैंने प्रतिश्रुति देते अने जो क्षतिग्रस्त मैंने बात पड़ते दिजिव अग्राधिकार तर ना ना प्रथम मुख्य कराई से आर आई मैंने सर्वे करते कौन अकाउंटेबिलिटी रहा नहीं योग्य को अयोग्य अजोग्य योग्य करते जीआरएस मैंने सर्वे करते कौन अकाउंटेबिलिटी ना जो लिस्ट तालिका प्रकाश पाँच जो तालिका प्रस्तुत होती किए करुच्छे से कहीं दायी नाव से लोकटी जदि गोटे अजय लोग स्थान पाई ना कटा जा नाटा किए इनक्लूड करता प्रशासन देखिपार ना मैंने समस्ते मिसिक सरकार सांगे गरीब लोक लुट कर निहत रूपे जहाँ कहते सीधा सड़क सरकार आरंभ कर सरकार द्वारा नियोजित होता जो तलिया कर्मचारी समस्ते एथेर संपृक्त थी यही प्रकार तालिका अंतर्भुक्त होम पाखे अच्छा जो फनी क्षति संग्राम समितर जो सभापति अच्छा सीधा सड़क आम कुछ ना आज्ञा न्यूज एट को स्वागत जनाऊँगी कौन कहे जो भाई भाव में आपने बसी कौन पर आज ये अवस्था बस आम ये अवस्था भावे आम आशीर्वाद कहीं गरीब लोकों पर सरकार कल बा सरकार कर्मचारी माने किंबा सरकार प्रतिनिधि माने लोकों दुख दुर्दशा दूर करूना से आमर बेकार ताड़नारू आम गरीब लोक लड़ुचु जे सरकार जो अन्याय कर प्राकृतिक विपर्जय बेले जहाँ क्षतिग्रस्त हो से कोटिपति हो जमीदार हो जा सरकार जी धारणा हो प्राकृतिक विपर्जय क्षति होती आम एक सरकार पूर्ण कर यहाँ गरीब लोक धारण अलग फोनिटा हूँ अलग आम से कथा पचारूँ एडीएम को आ कलेक्टर को से कहते जदि पूरी राजा घोड़ा गुहाल भांगी जाए थाए तेरे घर घोड़ा गुहाड़ मरामती सब टा दिज ये हूँ सरकारी व्यवस्था ये व्यवस्था को उल्लंघन कराऊँ किए गरीब किए धनी कार डा अच्छी कार ये कर खेल करे हूँ केवल राजनैतिक प्रहसन ये राजनैतिक प्रहसन को आम दल मत निर्विशेष
କୌଣସି ସରକାରର ବିରୋଧୀ ଆମେ ନୁହଁ କି କାହାର ସପକ୍ଷରେ ନୁହଁ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଦଶଟାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ନିହାତି ରୂପେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାହାକୁ ହକ୍ ପାଇଁ ଯାହା ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ମା ପାଖକୁ ଯିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜୟଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥିଲା ନା? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ଆସିବା ସହ ସାମାନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ରେ ସମୟରେ ଖୋଲିନି, ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଚାଲିବ ବୋଲି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଭୋକ ଦିନ ଦରିଦ୍ରମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଚାଳ ଘର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପଚା ଘର, ସରକାରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ସେ ପଚା ଘର ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ଘରେ ରହିବେ। ତ ଏହି ଆହ୍ୱାନ କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ ହେଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ଭାବ ତାଲିକା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ତାଲିକାରେ କେଉଁମାନେ ବାଟବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସରକାର କେବେ ଏହାର ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ? ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେବେ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ? ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।